भोलू पहाड़ तोड़ स्टार्स। कल तक हम इनके गाने का मजाक उड़ा रहे थे और अब देखो कितने मशहूर हो गए हैं। इतना अच्छा है, मैं ढोलू भोलू के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, मैंने सुना है कि ढोलू भोलू की वजह से राजा महाराजाओं ने पहाड़ों को तोड़कर सड़क और पुल बनाए हैं। हाँ कालिया, तुम्हें तो अपने दोस्तों की कामयाबी पर खुश होना चाहिए। सारे गाने चंगा बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। हटिए मेरे रास्ते से। अरे कालिया, ढोलू भोलू कहाँ है? वो तो बहुत मशहूर हो गए हैं, उनके पास दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं है। जब से ढोलू भोलू गाने में व्यस्त हो गए हैं, ये कितना दुखी रहता है। चलो इसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। ढोलू भोलू कितना व्यस्त हो गए, उन दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। रुको, अभी नहीं उस्ताद। हम कल के एक बड़े धमाके की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़े पहाड़ की वजह से पास के एक राज्य का रास्ता बंद हो गया है। उस राज्य के महाराजा ने हमें उस पहाड़ को तोड़ने का काम दिया है। यो। ये क्या है? संभल के उस्ताद, धमधम के महाराजा ने दिया है हमें ये यंत्र। यो। कालिया फिक्र मत करो, आज रात हम ढोलू भोलू के मनपसंद लड्डू लेकर उनके घर जाएंगे और पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। चलो एक बार कोई मुश्किल बात सोच कर देखते हैं। हमारी दुनिया में आसमान नीला नहीं गुलाबी होगा, और पेड़ों पर फल नहीं केक और आइसक्रीम्स लगेंगे, हमारे दोस्त भीम, राजू, जग्गू, चुटकी और उस्ताद होंगे। ये कैसी दुनिया है? स्वर्ग नहीं, ये ढोलू भोलू की दुनिया है। खाओ पियो खेलो ऐश करो और नाचते मोर। कल्पना करके मुझे महाबलवान, महावीर, तलवारबाज योद्धा बना दो। और अब एक बहुत बुरा, बहुत बड़ा, खतरनाक दरिंदा ले आओ। चलो करके देखते हैं। बचो
ना करो कि ये गायब हो जाए। जल्दी करो ढोलू भोलू। कोशिश करो ढोलू भोलू, तुम इस दरिंदे को कल्पना से बना सकते हो तो गायब भी कर सकते हो। नहीं हो रहा, काली बेरी खाने का असर था, शायद असर खत्म हो गया है। तो मैं ही जीतू।
दूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू? हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा। लड्डू का स्वाद कितना अजीब है। भीम, तुमने कर दिखाया। हाँ। रेवलस को हरा दिया।
क्या? सब्र करो चुटकी, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा। हमें फातून टापू की जादुई जलपुरी का वरदान है, हमें सिर्फ तस्वीरों में ही पकड़ा जा सकता है। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। चुटकी, क्या तुम्हें इन तस्वीरों में कुछ अलग नजर आ रहा है? अलग अलग तस्वीरें अलग अलग कमरों की है। बिल्कुल ठीक, अगर हमें इन समुद्री लुटेरों को पकड़ना है तो हमें भी इन तस्वीरों के अंदर जाना होगा। ठीक है, पर ये रस्सी कैसे खोलें? मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ इन्हें। मुझे सबक सिखाओगे? पहले पतलून का नाड़ा तो ठीक से बांधना सीखो। उससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा वो उस्ताद से मार खाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा भीम। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ, देख। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। ढोलू बोलू, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कर लिया? डर तो नहीं लग रहा? राजू, डरपोक ढोलू बोलू है, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे। हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा किया? बेचारे उस्ताद। सूखा बूढ़ा पेट कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। हाँ,
वैसे ये इतना भी डरावना नहीं है। बड़ी भूख लग रही है। लड्डू। ये क्या? उस्ताद से बहुत डांट पड़ेगी। उस्ताद कहाँ जाने वाले हैं? कोई काम तो करते नहीं है ना? कमरे की ऐसी हालत किसने की? उस्ताद! उस्ताद! आपने हमारे उस्ताद को कहीं देखा है? क्या आपने देखा है? क्या हुआ ढोलू बोलू? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उस्ताद गायब हो गए। क्या? कालिया गायब हो गया? अब हमें बिल्कुल वक्त बर्बाद किए बिना कालिया को ढूंढना चाहिए। प्रणाम अच्छी परी। कालिया का अपहरण हुआ है और उसे ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये जुड़वा नगर है, यहाँ हर एक घर में जुड़वा ही पैदा होते हैं। अच्छा, ये जादुई कंपस है। ये जादुई कंपस आप सबको जुड़वा नगर ले जाएगा। कालिया को लेकर आने में सफल हो भीम। वो यंत्र देखो, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? उस तरफ चलते हैं। भीम संभल के। कौन सी जगह में आ गए हैं हम? उन दो रखवालों को चकमा दे के हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन आगे करना क्या है? हम कल सुबह अपने गांव के लिए निकलते हैं। हमें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, हम कल सुबह ही यहाँ से चलेंगे। कल सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे, उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। नहीं नहीं जग्गू, इस रात में हम कहीं नहीं जाएंगे। पता है इस गांव में? बोलो चुटकी, इस गांव में क्या है? भूत है इस गांव में। मालिक, सुना आपने? भूत है यहाँ। अब हम क्या करें? चुप, भूत भूत कुछ नहीं होते। वो ऐसे ही कहीं से ये कहानी सुनकर डर गए होंगे। ठीक है मालिक, लेकिन अभी मुझे सो जाना है। कालिया कहाँ है? कालिया? मुझे कोई कालिया नहीं पता। कालिया कहाँ है? तुम अभी बात है, इतने जल्दी यहाँ कैसे? हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। शुक्रिया भीम। अब कालिया हमें मिल गया। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। बोलू बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आगे उड़ाओ, हम लोग अभी बिजी हैं।
मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों, जरा दिखाओ। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था, उसी से सुनकर हमने ये बनाया है। दोस्तों क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके आसाम घूम कर आए। फूलो बंधु रे, ओ बंधु रे। चाचा आप ये क्या गा रहे हैं? मैं तो एक फूल का गाना गा रहा हूँ जो बिल्कुल हमारी राजकुमारी तेजी मोला जैसा है। राजकुमारी तेजी मोला? कुमारी तेजी मोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती है एक फूल बनके, उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा, कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता, कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। आप बस हमें जंगल का रास्ता बता दीजिए, हम ये बात जानते हैं कि हम उस फूल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ध्यान से जाना बच्चों, जंगल बहुत खतरनाक है। और हमें शुक्रिया कहने का मौका दीजिए। हम आ जाएंगे।